वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए वीवो का हैंडसेट आया हुआ जिसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग कनेक्टर का। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन जो है चार्जिंग नहीं हो रहा है, ये मेरे शॉप पे दिए हैं रिपेयरिंग करने के लिए। तो गाइस इस फ़ोन को जो है मैं चार्जिंग कनेक्टर सफ़ा करने के बाद जिसको चार्जिंग एम्पेयर मशीन में प्लगिंग किया था, ये सिर्फ 20 एम्पेयर ले रहा है और चार्जिंग का लोगो भी शो कर रहा है। फिर थोड़ा टाइम बाद जो है इसमें बैटरी एरर का जो है लोगो शो कर रहा है। तो गाइस इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है गाइस अभी देख सकते हैं इसमें जो है ये चार्जिंग एम्पेयर मशीन में प्लगिंग की है, ये सिर्फ 20 एम्पेयर ले रहा है और ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है गाइस इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ये सिर्फ मेरे ही चार्जिंग कनेक्टर में ही शो कर रहा है, पकड़ रहा है, और उसके बाद कस्टमर के चार्जर में ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो जो है पहले इस हैंडसेट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो है इसमें चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये चार्ज भी नहीं हो रहा है और ये बैटरी एरर का लोगो भी शो कर रहा है। तो गाइस इसे रिपेयर करना जो बैटरी एरर का लोगो रहता है ये काफ़ी इजी होता है। ऐसे प्रॉब्लम में जो है या तो इस हैंडसेट की बैटरी ख़राब रहेगा या बैटरी की जो बीच की लाइन होती है वो कहीं से ब्रेक हो जाता है जिसके कारण ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम शो करता है हैंडसेट में। तो पहले इस हैंडसेट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद पहले इसका चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि कस्टमर से जो मैंने चार्जेस लिया हूँ ये सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर का लिया हूँ और ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम जो है ये मैंने जब चार्जिंग कनेक्टर को सफ़ा किया, सफ़ा करने के बाद इसमें जब नया चार्जिंग कनेक्टर बैठा, नया चार्जिंग चार्जर वायर प्लगिंग कर रहे हैं तो भी ये चार्जिंग नहीं उठा रहा है। ये सिर्फ जो है मेरे पास एक पुराना चार्जर का वायर है जो हमारे चार्जिंग एम्पेयर मशीन में लगा हुआ है, उसमें सिर्फ ये चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है, उसके बाद जो है बैटरी एरर का लोगो यहाँ पे शो कर रहा है। तो पहले इसके बैटरी को यहाँ से निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद पहले इसका चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि कस्टमर से जो है सिर्फ मैंने चार्जिंग कनेक्टर का पैसा लिया हूँ और ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम तो ये मैंने जो है चार्जिंग कनेक्टर सफ़ा करने के बाद देखा हूँ। तो इसमें जो है ये जो चार्जिंग कनेक्टर ये ख़राब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक ही चार्जिंग वायर में पकड़ रहा है, कस्टमर के चार्जिंग वायर में नहीं पकड़ रहा है। इसको जैसे जो है मैं इसको रिप्लेसमेंट करता हूँ चार्जिंग कनेक्टर को, और उसके बाद जो ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम है इसे कहाँ से सॉल्व करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है जो पूरी तरीके से जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको जैसे जो है ये सिर्फ एक ही चार्जिंग वायर में ये पकड़ रहा है और दूसरे चार्जिंग वायर में नहीं पकड़ रहा है। मैं नया चार्जिंग वायर भी इसमें लगा के चेक किया हूँ और कस्टमर ने भी लगा के चेक कर लिया है। तो पहले इसका वायर को, ये चार्जिंग कनेक्टर जो है इसको रिप्लेसमेंट करता हूँ, और रिप्लेसमेंट करने के बाद जो है ये जो बैटरी एरर का प्रॉब्लम कहाँ से आता है मैं आप लोग को बताता हूँ। इसको जो है चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेसमेंट करना काफ़ी इजी होता है। आपको जो है ये कहीं भी जो है आपके पास कोई भी टूल हो उस टूल में पहले इसको अच्छी तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है, और फिटिंग करने के बाद ये जो निकालने का ट्रिक है इसको आपको ब्लोअर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये शोल्डर से नहीं निकलता है। शोल्डर से निकलने में जो है ये शोल्डर से निकालने में इसका जो प्रिंट रहता है वो डैमेज हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, इसलिए जो है आप इसको ब्लोअर से निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लोअर से निकालने में काफ़ी इजी होता है, आपको ब्लोअर इसके ऊपर हल्के थोड़े टाइम तक हीट करना है चार्जिंग कनेक्टर को, और उसको चिमटी से हल्के हाथ से उठा लेना है, क्योंकि इसका जो पीछे का जो प्रिंट है वो बीच का प्रिंट जो है पूरी तरीके से टूट गया है और प्लस माइनस का ही प्रिंट सिर्फ बचा हुआ है। तो इसमें जो है प्लस माइनस से ये हैंडसेट चार्ज तो होगा, लेकिन जो है इसका जो बीच की लाइन है वो टूटने की वजह से जो है जब इस हैंडसेट में कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा तो इसको जो है बीच की लाइनिंग को जम्पर मारना होगा। तो सिर्फ मैंने इस हैंडसेट का चार्जेस लिया हूँ चार्जिंग कनेक्टर का, तो मैं इसका जो है बीच की लाइन को जम्पर नहीं मारूँगा और मुझे कोई काम भी नहीं इसको जम्पर मारना। तो इसलिए जो है मैं इसका चार्जिंग कनेक्टर पहले यहाँ से रिप्लेसमेंट करता हूँ, और रिप्लेसमेंट करने के बाद इसमें जो एरर का प्रॉब्लम है वो कहाँ से, बैटरी एरर का प्रॉब्लम जो इस हैंडसेट में शो कर रहा है उसको कहाँ से सॉल्व करना है तो मैं आप लोग को बताता हूँ।
तो जो है अभी जो है मैं इसका चार्जिंग कनेक्टर को यहाँ से निकाल लिया हूँ, और निकालने के बाद जो है हल्का सा पेस्ट लगा के इसको सोल्डर से रीसोल्डिंग करूँगा। रीसोल्डिंग करने से क्या रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो है इसका सोल्डर रिमूवर एक वायर आता है जिससे सोल्डिंग को रिमूव करते हैं, वो वायर मेरे पास ख़त्म हो गया, इसलिए जो मैं इसको रीसोल्डिंग कर देता हूँ। और रीसोल्डिंग करने के बाद जो है इस पर नया चार्जिंग कनेक्टर को लगा देता हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पे पहले अच्छी तरीके से इसका जो पुराना सोल्डर इसको निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद एकदम प्लेन कर लिया हूँ। तो जो है अभी इसमें जो नया चार्जिंग कनेक्टर है इसको जो लगाने का ट्रिक है, इसको ब्लोअर से नहीं लगाऊंगा, इसको सिर्फ सोल्डिंग से लगाना है। तो किस तरह से लगाना है काफ़ी ईजी होता है एकदम। आप ब्लोअर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लोअर इस्तेमाल करने में ये रहता है कि कभी कभी जो है चार्जिंग कनेक्टर प्रॉपर नहीं बैठता, उसको जैसे जो है ये जल जाता है, इसलिए इसको मैं सोल्डिंग से बैठाऊंगा। इसकी पोजीशन पे आपको रखना है, और रखने के बाद जो है आपको सोल्डर से साइड का जो इसके खांचा है जो ग्राउंड में बैठता है उसको जो है आपको सोल्डर थोड़े टाइम मतलब पेस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर रख देना है। ये एकदम प्यार से इसके खांचे में जाके बैठ जाएगा, और ये दोनों साइड को खांचे को आपको एकदम पोजीशन देख के ही बैठाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से इसका चार्जिंग कनेक्टर को वन साइड का पॉइंट को बैठा लिया हूँ। अभी ये जो दूसरी साइड का भी पॉइंट है इस पर भी हल्के टाइम मतलब थोड़ा सा शोल्डर को रखे रहूँगा आयरन को, और उसके बाद जो है ये अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा। और ये जो नया चार्जिंग कनेक्टर होता है ये कभी कभी जो है इसका जो साइड के प्रिंट रहता है यहाँ की जो ये प्रॉपर नहीं सोल्डिंग होता, इसकी वजह से जो है आप पेस्ट भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ही होएगा, नहीं तो आपको जो है थोड़ा सा बिलेट से स्क्रैच कर लेना है, और स्क्रैच करने के बाद ही आपको इसको सोल्डिंग करोगे तो प्रॉपर अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा स्क्रैच कर दिया हूँ, और जो मेरे पास इसका पेस्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, मैक्स का है, इसको जैसे जो है इसको मेरे को सोल्डिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका दो ही प्रिंट है और बीच का जो प्रिंट है वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेके उखड़ गया है। तो जो है इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल जो है मैं इसको प्लस माइनस से ही फ़ोन को चार्ज करूँगा, क्योंकि पहले भी ये प्लस माइनस से ही सिर्फ चार्ज हो रहा था, और इसमें जो चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ था वो पहले से ही रिप्लेसमेंट हुआ था, कस्टमर ने कहीं से रिप्लेसमेंट कराया था। तो जो है अभी देख सकते हैं इसको मैं एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठा दिया हूँ, और बैठाने के बाद जो है इसकी जो पीछे की प्रिंट है इसको अच्छी तरीके से आपको एकदम सोल्डिंग करना है, हल्के आप ब्लेड से स्क्रैच करने के बाद अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देना है। और सोल्डिंग करने के बाद इसको जो है आपको आईपी या पेस्ट लगा आईपी लगा के अच्छी तरीके से सफ़ा कर देना है। आजकल तो आईपी भी यूज करते हैं कुछ लोग, जो है इसमें थिनर भी यूज करते हैं, पेट्रोल भी यूज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो यूज करना रहे वो यूज कर सकते हो। पेट्रोल ना यूज करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है उसमें बहुत जल्दी से आग लगने का डर रहता है। आपको जो है इसका जो क्लीन करने का एक आता है पेस्ट, वो पेस्ट आपको ले लेना है। अधिक करके मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जो रहता है वो उससे जो है मोबाइल सफ़ा वफ़ा करते हैं, उससे जो है इसकी जो चार्जिंग कनेक्टर जब बैठाते हैं उस पर जो है पूरी तरीके से चारों तरफ पेस्ट लगता है तो वो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो आपको जो है इसे अच्छी तरीके से सफ़ा कर देना है, क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर जब इसमें प्लगिंग चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग कनेक्टर गर्म होगा तो ये पेस्ट पिघलेगा, इसकी माइक वगैरह में जाके माइक ख़राब कर देगा। तो अभी जो है मैं इसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेता हूँ, और फिटिंग करने के बाद जो है इसको चेक करता हूँ जो ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम है ये कहाँ से सॉल्व करना है। वो सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है, कभी कभी जो है किसी हैंडसेट पे बैटरी ख़राब हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, और जो ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है ये बैटरी कनेक्टर के पास मॉइस्चर लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है, और जो बैटरी की जो बीच की पॉइंट है वो कहीं से टूट जाता है तो भी ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं बैटरी को, ये मार्केट का बैटरी है तो इसको जो है पहले हल्का सा पेस्ट लगा के इसको सोल्डिंग करता हूँ, और सोल्डिंग करने के बाद चेक करता हूँ ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसकी जो
प्रिंट रहता है, कभी कभी जो मार्केट की बैटरी होता है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से सोल्डिंग नहीं रहता है, उसके वजह से भी ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम हैंडसेट में शो करता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पहले इसको रीसोल्डिंग करना है, और रीसोल्डिंग करते वक्त में काफ़ी ध्यान देना है कि बैटरी का प्लस माइनस एक दूसरे से अटैच ना हो, नहीं तो जो है वो जल जाएगा। तो आपको जो है बीच की पॉइंट को अच्छी तरीके से जो है पेस्ट लगा के आपको रीसोल्डिंग कर देना है, और रीसोल्डिंग कभी कभी जो है नहीं होता है तो आपको जो हल्का सा बिलेट से स्क्रेच करके भी रीसोल्डिंग कर देना है, नहीं तो आप अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज करोगे तो आपको जो है बिलेट से स्क्रेच करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो अभी जो मैं इसे पेस्ट लगाया था अच्छी तरीके से इसको रीसोल्डिंग कर दिया हूँ और सफ़ा कर दिया हूँ, और सफ़ा करने के बाद इसको बैठा के वापस से चेक करता हूँ इसमें जो बैटरी एरर का प्रॉब्लम आ रहा था ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो अभी इसका चार्जिंग कनेक्टर मैंने रिप्लेसमेंट किया हूँ, और जो बैटरी का कनेक्टर था उसको रीसोल्डिंग अभी किया हूँ सिर्फ, और अभी देखते हैं ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं होता तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अभी जो है ये अभी भी जो है 20 एम्पेयर लिए हुए है, और अभी भी देख सकते हैं ये चार्जिंग का लोगो शो करने के बाद बैटरी एरर का लोगो अभी भी शो कर रहा है। तो यहाँ से चार्जिंग को पहले रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद इसका बैटरी कनेक्टर को पास इसको बैटरी को निकाल लिया हूँ मैंने, और निकालने के बाद इसको तो मैंने रीसोल्डिंग कर दिया हूँ अच्छी तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है यहाँ से जो है ये वाली भी स्ट्रिप को निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से आईपी से क्लीन करता हूँ, और क्लीन करने के बाद अच्छी तरीके से बैठा देता हूँ, क्योंकि ये अधिक करके हैंडसेट में जो है मॉइस्चर लग जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, या हमारी बैटरी की लाइन कहीं से ब्रेक हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम शो करता है, या हमारी जो पावर आईसी में से जो है इमएमसी में से सॉरी जो इसकी लाइन आती है बीच की वो लाइन कहीं से ब्रेक हो जाता है तो भी ये बैटरी एरर का प्रॉब्लम शो करता है। तो अभी जो है मैं यहाँ से जो है इसकी पोजीशन को पहले अच्छी तरीके से सफ़ा करता हूँ, और सफ़ा करने के बाद जो है इसको वापस से फिटिंग करता हूँ और चेक करता हूँ अभी ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर अभी नहीं सॉल्व होगा तो इसकी लाइनिंग को मुझे बोरनियों से देख के चेक करना होगा कि इसका लाइन कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है, क्योंकि ये बैटरी की बीच की लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है तो ही ये प्रॉब्लम शो करता है, या बैटरी कनेक्टर के पास मॉइस्चर लग जाता है तो भी ये प्रॉब्लम बैटरी एरर का शो करता है। तो अभी ये 60 एम्पीयर ले रहा, पहले 20 एम्पीयर ले रहा था, अभी देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का लोगो भी शो कर दिया, मतलब ये हैंडसेट कंप्लीट अभी चार्ज भी हो रहा है, और जो बैटरी एरर का प्रॉब्लम था ये मेरा सॉल्व हो गया। इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी हैंडसेट का बैटरी एरर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना,